हेलो साथियों, आज हम लोग इफ एंड और का फॉर्मूला का यूज करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप एसओ कमीशन टेबल में इफ का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं और एंड का यूज कैसे करेंगे और का यूज कैसे कर सकते हैं। कंडीशन के हिसाब से सभी का कमीशन आपका निकलेगा वो इफ एंड और। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए यूज करते हैं सबसे पहले इफ का फॉर्मूला। देखिए, जहां आप किसी के कंपनी में काम कर रहे हैं या तो आपका खुद का कंपनी है तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि सभी एम्प्लॉय को आप ऐसा टारगेट दीजिएगा कि इतना है, इतना का सेल कीजिएगा तो आपको इतना कमीशन मिलेगा या ये गिफ्ट मिलेगा। इस टाइप से तो यदि इस टाइप से आप ऐसा सभी स्टाफ को आप देते हैं टारगेट कि आपने 50,000 से आप ज़्यादा का सेलिंग करेंगे या 1,00,000 का ज़्यादा सेलिंग करेंगे, 40,000 का सेलिंग करेंगे तो इतना परसेंटेज गिफ्ट मिलेगा या इतना कमीशन आपको मिल जाएगा, 2%, 4%, 5%। तो वो निकालने के लिए हम इसमें बता रहे हैं इफ का फॉर्मूला से। कंडीशन ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी एम्प्लॉय को देख कर रख रहे हैं कि आप हमारा सेलिंग करते हैं 50,000 से ज़्यादा, कितना बोल रहे हैं, यदि हमने सभी एम्प्लॉय के टारगेट दिए कि जो भी एम्प्लॉय है सो 50,000 से ज़्यादा आप सेलिंग करते हैं तो उसे हम 2% या 5% इतना का देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, इसमें लगाएंगे इज इक्वल करके इफ करके स्टार्ट ब्रैकेट्स करेंगे, उसके बाद आपको कंडीशन देना है सेल्स अमाउंट का। तो देखिए, सेल्स अमाउंट का सेल नंबर देंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन करेंगे और इज इक्वल अमाउंट डालेंगे। ठीक है, अमाउंट कितना, तो मान लीजिए कि हम 1,00,000 का करते हैं। ठीक है, 1,00,000 से 1,00,000, देखिए हमने B3 सेल नंबर डाले हैं सेल्स अमाउंट का, मतलब है कि 1,00,000 से आगे ग्रेटर देन दिए हैं इसलिए आगे 1,00,000 से ज्यादा यदि सेलिंग करता है तो उसकी कंडीशन, मतलब उसकी परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कोमा लगा के फिर सेल्स अमाउंट का सेल नंबर डाल देंगे और इनटू करेंगे परसेंट, 5%, 10%, जितना भी देना होगा वो हम परसेंट कर देंगे। ठीक है, और यदि जो नहीं 1,00,000 से प्लस सेल करेगा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लिख देंगे वर्क हार्ड, लिख देंगे वर्क हार्ड। वर्क हार्ड लिखने बाद आप क्लोज ब्रैकेट करेंगे, मतलब और वो मेहनत कर सके, और एंटर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर निकल गया। अब देखिए इसका सेल्स क्या है कि 1,40,000 है इसलिए 7,000 कमीशन मिल रहा है। अब इसी को है सो डिपेंड ड्रैग कर दीजिएगा और देख सकते हैं कि 1 के अलावा कोई भी 1,00,000 से ज़्यादा का काम नहीं किया है। जैसे ही है हम 1,00,000 से ज़्यादा इसमें एंट्री कर देंगे यहाँ इसका कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इफ का फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट इसी तरह से एंड के फॉर्मूला में। एंड का फॉर्मूला में भी देखिए इसी टाइप से आपका है कि एंड का फॉर्मूला कहता है आप कीबोर्ड बेचे, मॉनिटर बेचे, हार्ड डिस्क बेचे, तो ये तीनों का सेल जितना अमाउंट है उससे आपको ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कितना अगर आप देते हैं टारगेट, जैसे मान लीजिए 50,000 का हम टारगेट दिए कि 50,000 आप 50,000 से प्लस का सेलिंग कीबोर्ड भी कीजिए, 50,000 से प्लस का सेलिंग मॉनिटर भी कीजिए, 50,000 से सेलिंग आप ज़्यादा हार्ड डिस्क का भी कीजिए, तभी आपको आपको परसेंट मिलेगा। ध्यान से देखिए, तीनों में आपका यदि 50,000 से ज़्यादा रहता है तभी आपको परसेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर तो तीनों बराबर रहने के बाद और उससे प्लस रहने के बाद कब परसेंट मिलेगा, तो एंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तीनों का। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आपको इफ लगाना है, कंडीशन देना है आपको। ठीक है, हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले इफ करके इफ फॉर्मूला लगाएंगे, टैब बटन दबा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको देना है एंड। अब उसके कंडीशन अकॉर्डिंग एंड देंगे, उसके बाद आप सेल नंबर डालिए कीबोर्ड का। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन देके बराबर
आप जितना अमाउंट का दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 50,000 का दे रहे हैं, 50,000 कोमा, फिर हम है मॉनिटर का भी सेल लेंगे, फिर ग्रेटर देन देके बराबर देंगे 50,000, फिर कोमा करके फिर ऐसा हार्ड डिस्क का सेल नंबर देंगे तीनों का, क्योंकि तीनों का हम कंडीशन बता रहे हैं कि 50,000 से प्लस का सेलिंग होना चाहिए, ठीक है 50,000। इसके बाद ऐसा क्लोज ब्रैकेट करके और फिर कोमा लगेंगे। मान लीजिए तीनों में आगे जाता है 50,000 से प्लस का सेलिंग, तो उसका क्या परसेंट मिलना चाहिए वो लगाएंगे, तो कोमा देके सेल्स अमाउंट का सेल नंबर डालेंगे, सेल्स अमाउंट इनटू करेंगे जितना परसेंट, ठीक है जितना परसेंट देना है वो कोमा देके, और यदि तीनों में किसी में मिसिंग होता है नहीं कर पाता है तो उसके लिए लिख देंगे वर्क हार्ड, ठीक है फिर डबल इनवर्टेड कॉमा करके बंद कीजिए एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ये फॉर्मूला आप टाइप करेंगे, इसके बाद इंटर कीजिए, आपको ये निकल जाएगा। अब देखिए कंडीशन ये हुआ, अब इसी का डप एंड ड्रैग आगे हम करते हैं। देखिए इस जगह पर आपका 2700 रुपये का आपका दे रहा कमीशन, क्योंकि इसमें 74,000, 58,000, 85,000 तीनों में 50,000 से प्लस का सेल, ठीक है। इस तरह से आप ऐसो एंड फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसी का थोड़ा सा और का फॉर्मूला माइए। अब और का फॉर्मूला क्या कहता है कि तीनों का कंडीशन, जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर तीनों का कंडीशन में किसी में भी 50,000 से प्लस रहता है तो उसको कमीशन मिलेगा। तीनों का कंडीशन बोल रहा है कि किसी में भी 50,000 से प्लस रहेगा तो इसमें आपको कमीशन मिलेगा, तब यहाँ पर आपको और का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए और का फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल करेंगे, इफ करेंगे, स्टार्ट ब्रैकेट्स करके और का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है और कंडीशन सेम डालेंगे, इक्वल यहाँ पर आपका डालेंगे कीबोर्ड का सेल नंबर। कीबोर्ड का सेल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि ग्रेटर देन देंगे, बराबर देंगे 50,000 कोमा लगा के फिर ऐसा दूसरा का सेल नंबर डालेंगे, फिर 50,000 दीजिए कोमा लगा के फिर तीसरा का सेल नंबर डालिए, ग्रेटर देन देके फिर 50,000 लगाइए, ठीक है क्लोज ब्रैकेट कीजिए कोमा और ऐसो फिर सेल्स अमाउंट का दीजिए इनटू जितना परसेंट देना होगा अब दे दीजिए, और यदि तीनों में 50,000 नहीं लगा रहेगा तब क्या लिखेंगे वर्क हार्ड, ठीक है तब लिख देंगे वर्क हार्ड, उसके बाद ऐसे क्लोज ब्रैकेट कीजिए और इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि कीबोर्ड में है सो 95,000 आया है, 74,000 है, इसमें 47,000, ठीक है तो एक में भी रहेगा तो ये आपको कमीशन मिल जाएगा। अब हम इसमें एक में कम करते हैं, जैसे हम 41,000 करते हैं, यहाँ 58,000 है तो 25,000 कर देते हैं, अब यहाँ पर 36,000 कर देते हैं तीनों का, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन लिख दिया वर्क हार्ड। वर्क हार्ड लिखने के बाद ये आपका रिजल्ट जैसे है वर्क हार्ड लिख देगा। आप समझ लीजिए कि और का फॉर्मूला क्या हुआ कि तीनों में आपका यदि 50,000 से कम रहता है सेल्स तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, और किसी में भी एक में रह जाता है तो आपको कमीशन मिलेगा। और का एंड का काम क्या हुआ कि आपका तीनों में 50,000 से प्लस का आपका सेल होना चाहिए तभी आपको कमीशन मिलेगा, अन्यथा किसी में भी कम रह गया तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। और इफ क्या है कि आपका टारगेट है कि 1,00,000 से प्लस का सेल किया है तभी आपको कमीशन मिलेगा और नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से इफ एंड और का फॉर्मूला सही समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अच्छा लगा कि नहीं लगा सो। चलिए फिर इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट में मिलते हैं।